उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प में छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा संचालित महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प के प्रस्तावित भवन हेतु भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीयता का भाव महामारी में देखने को मिला। जब देश ने मिलकर काम किया तो भारत ने दुनिया को सबसे अच्छे कोविड प्रबंधन का उदाहरण दिया। सीएम योगी ने आगे कहा कि सरकार और समाज जब अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है, इसके पीछे यहाँ का समाज रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात वास्तविकता है। सीएम ने कहा कि उदाहरण के रूप में आज दो महापुरुषों से जुड़े पवित्र संस्थान के भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं। पहले डॉक्टर भाऊराव देवरस, जिन्होंने लखनऊ में रहकर छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होकर देश की आजादी के आंदोलन में अपना योगदान एक युवा और नागरिक के रूप में किया, और दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो आजादी के आंदोलन के दौरान न्यायालय जाकर क्रांतिकारियों की पैरवी भी करते थे। महामना मालवीय एक समाज सुधारक भी थे। आइए आपको सुनाते हैं कि अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं, ये वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी, और जब भी समाज आगे चलेगा सरकार उसके पीछे होगी तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा तो समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा, हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा, और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी। जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। समाज जब आगे बढ़कर के उसे लीड करता है, परिणाम भी सामने आने लगते हैं। सरकार के साथ समाज भी जब उस अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है तो परिणाम भी उसी रूप में हम सब के सामने देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर समाज जब भी आगे बढ़ा है परिणाम हम सब के सामने आए हैं। और आज ऐसे ही दो महापुरुषों से जुड़ा हुआ यह एक पवित्र संस्थान की भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनमें दो महापुरुषों का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है। एक है सरदेव भाऊराव देवरस जी का, जिनके बारे में यहां पर डॉक्टर साहब ने विस्तार से अपनी बातें यहां पर आप सबके सामने रखी कि कैसे डॉक्टर भाऊराव देवरस जी ने इसी लखनऊ में रह करके और प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होना, देश की आजादी के मूवमेंट में एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, और
छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने के उपरांत जब अपने शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं तो उसके उपरांत अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके समाज के उन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ना जो राष्ट्र निर्माण के लिए आजादी के पूर्व जो एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी उस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। आज भी आप जाएंगे उत्तर भारत में तो मुझे लगता है कि हर एक जगह आपको सरदेव भावराव देवव्रत जी के नाम पर संस्थान, उनकी स्मृतियों को और उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में हम सबको अवगत कराता है। दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का। मालवीय जी देश के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मालवीय जी देश की आजादी के इस पूरे आंदोलन में हर क्रांतिकारी के एक प्रखर अधिवक्ता के रूप में भी न्यायालय में जाकर के हर क्रांतिकारी की पैरवी भी करते थे। मालवीय जी एक समाज सुधारक भी थे। समाज को जोड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए उस समय के प्रयास हम सबके सामने हैं। बालिकाएं जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ी हैं, जो एक किराए के भवन में रह करके पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह न्यास उन बालिकाओं के उत्तम पठन पाठन के लिए एक मंच दे रहा है, बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक बंधन उनके मार्ग में बाधा न बने यह कार्यक्रम भी यहां पे चलाया जा रहा है। और उनके लिए बनने वाला यह छात्रावास और इसके उपरांत बनने वाला जो शिक्षण केंद्र होगा वो अपने आप में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए न्यास को हृदय से बधाई देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। वही कार्यक्रम में सीएम योगी ने संस्थान के 3 शिक्षकों और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अपने पहले प्रयास में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने शिक्षकों को शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए, वहीं छात्र छात्राओं को मेडल पहनाया। उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीयता के प्रतीक पुरुष स्मारिका का विमोचन भी किया। महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन पर आधारित इस स्मारिका में देश के मूर्धन्य विद्वानों के लेख हैं। न्यास की अर्धवार्षिक पत्रिका सेवा चेतना का भी सीएम योगी ने विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।